ठीक है देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है असेंबली ऑफ सिक्सटी एस एंड फोर्टी एस सब यूनिट ऑफ राइबोसोम प्रोड्यूसेस तो आज ही बताया मैंने कि अगर सिक्सटी एस और फोर्टी एस राइबोसोम है तो ये किसका प्रोडक्शन करेंगे 60s एंड 40s राइबोसोम मिलके क्या बनाएंगे ये 80s राइबोसोम का फॉर्मेशन करेंगे ए ऑप्शन आ जाएगा आपका सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट इज इनडायरेक्टली इज मेजर ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इनडायरेक्टली इज मेजर ऑफ ये इनडायरेक्टली किसको मेजर कर रहा है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट किसको मेजर कर रहा है इनडायरेक्टली डेंसिटी और साइज को यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बोथ ए एंड बी हो जाएगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अकर्स इन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का मतलब क्या बेटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब है क्रोमोसोम के अलावा तो क्रोमोसोमल देखो न्यूक्लियस का जो डीएनए उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए न्यूक्लियस के डीएनए को हम कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए न्यूक्लियस का डीएनए क्या है क्रोमोसोमल डीएनए डी डी क्योंकि हमारे न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए जो 46 क्रोमोसोम बनाता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए लेकिन वो क्रोमोसोम नहीं बनाता तो उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहां मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड अगर ऑप्शन दिया गया तो भी सही होगा क्लियर इतना केवल रटना नहीं थोड़ी सी चीजें आपको समझनी भी कि भाई एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब क्या है प्रोकैरियोट में भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसको क्या कहते हैं में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम किस नाम से जानते हैं प्रोकेरियोट में अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम लोग प्लाजमिड के नाम से जानते हैं प्लाजमिड और क्रोमोसोमल डीएनए को जीनोमिक डीएनए का नाम देते हैं तो वहां पर प्लाजमिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है और यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट विच इज नॉट अ प्लास्टिड हमने पिछले टन पे प्लास्टिड के बारे में पढ़ा था तो फिर इनमें से कौन सा प्लास्टिड नहीं है इनमें से कौन सा प्लास्टिड नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट ये तीनों प्लास्टिड हैं माइटोप्लास्ट कोई प्लास्टिड नहीं है इसका मतलब बी आपका आंसर हो जाएगा सिलियम एंड फ्लेजिलोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलियम और फ्लेजिलम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से राइज करते हैं जिसे हम कहते हैं यस दैट इज नेम्ड एज बेसल बॉडी बेसल बॉडी को सिलिया और फ्लेजिला ने बनाया और बेसल बेसल बॉडी ने सिलिया फ्लेजिला को बनाया और बेसल बॉडी को सेंट्रियोल बनाता है तो हायरिकी याद करिएगा सेंट्रियोल ने बेसल बॉडी बनाई और बेसल बॉडी ने सिलिया और फ्लेजिला का फॉर्मेशन किया एक्सोनीम विद इन प्लस टू माइक्रोटुलर अरेन्जमेंट अकर्सिन में नाइन प्लस टू ऑर्गेनाइजेशन दो जगह आपको मिलेगा सिलिया एंड फ्लैजिला में यानी सी आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा बोथ ए एंड बी सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल में नाइन प्लस जीरो टाइप का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है फ्लैजिला अकर्स इन फ्लैजिला कहां पर आपको मिलेगा फ्लैजिला कहां पर पाया जाएगा क्या यू कैरियोटिक सेल में फ्लैजिला होता है बिल्कुल क्या प्रो कैरियोटिक सेल में होते हैं बिल्कुल वायरस में कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा बोथ ए एंड बी लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा फ्लेजिला भले ही प्रो और यू दोनों सेल में होता हो लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है ये जो यू कैरियोटिक सेल हम पढ़ रहे हैं यहां पर नाइन प्लस टू ऑर्गेनाइजेशन होगा लेकिन प्रो कैरियोटिक फ्लैजिला में ऐसा कोई नाइन प्लस टू ऑर्गेनाइजेशन कोई भी माइक्रो टिब्यूल प्रो कैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिविजन स्पिंडल फॉर्मेशन में कौन सा ऑर्गेनेल मदद करता है स्पेंडिल फॉर्मेशन में किसका रोल होता है सेंट्रियोल सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है और स्पिंडल फाइबर स्पेंडिल एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं